बिग बॉस 14 का लेटेस्ट एपिसोड वीकेंड का वार कई ट्विस्ट और टर्न से भरा रहा। पहले सलमान खान ने सोनाली फोगाट पर एलिगोनी की खातिर उनकी फीलिंग्स के लिए चुटकी ली। ये सब की शुरुआत जब हुई तब सोनाली ने एली के लिए एहसास तेरा होगा मुझ पर गाना गाया। इस पर एली शर्माने लगे और सलमान खान सबका ध्यान एली की ओर लाते हुए कहते हैं कि जैस्मीन बाहर से देख रही है। सोनाली ने सबके सामने कहा कि उन्हें एली के लिए फीलिंग्स हैं और इसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माती। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। सलमान भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसके बाद सलमान खान एली को इन सब की शुरुआत का कारण मानते हैं। इस पर अली सफाई देते हैं कि घर में सोनाली ज्यादा नहीं बोलती थी, इस कारण उन्होंने केवल उनसे इशारों में ऐसा करने के लिए कहा। इस पर सब हंसने लगते हैं। सलमान खान एलिगोनी को कठोर दिल का लड़का बता देते हैं। फिर अर्शी खान कह देती हैं कि क्या ट्रेंडिंग कपल है। हालांकि सोनाली कहती हैं कि एली एक अच्छा लड़का है और उनकी फीलिंग्स एक तरफा हैं। वे आगे एली को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि ये जैस्मीन के हैं, उन्हीं के रहें, मेरे आशीर्वाद है आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। इस पर मौज लेते हुए राहुल वैद कभी खुशी कभी गम गाना गाने लगते हैं। इसके बाद एली और सोनाली दोनों ही सलमान खान के सुपरहिट गाने प्यार दिलों का मेला है पर डांस करने लगते हैं। दोस्तों इस पूरी घटना पे जैस्मीन बसीन ने भी अपना रिएक्शन दिया था। जैस्मीन ने बहुत अच्छे से इस पूरी सिचुएशन को संभाला था। जैस्मीन ने कहा था कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या बताना या जताना कोई गलत चीज़ नहीं होती और सोनाली जो अपनी फीलिंग्स बता रही हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं मानती हूँ कि एलिगोनी एक मैच्योर आदमी है और वो समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है। वे आगे कहती हैं कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए या अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए दम चाहिए होता है और ये चीज़ आसान नहीं होती। वो कहती हैं कि सोनाली ने अपनी फीलिंग्स शेयर करके कुछ गलत नहीं किया है। वो जैसा फील करती थी उन्होंने सबके सामने रखा, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश।